आपको बताएं मियां असलम इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पॉइंट ये है कि मोटरवे के ऊपर क्योंकि फेडरल टेरिटरी है और वहाँ पर एनसीओसी मीटिंग के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने, फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो हेल्थ एडवाइजरी इशू की हुई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा था कि एक सीट छोड़कर एक सीट के ऊपर जो है वो आपका जो कस्टमर है वो बैठेगा, आपका पैसेंजर बैठेगा ताकि वो सफ़र कर सके, और बाकी जो मामलात हैं मास्क पहनना, मास्क देना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, डिसइंफेक्शन करना बस को जाते हुए भी आते हुए भी वो उनके साथ तय था। लेकिन क्योंकि पिछली मीटिंग के अंदर ये हुआ था कि हमने इनके 20% किराए को नीचे किया था, लेकिन मोटरवे के ऊपर क्योंकि ये एक सीट छोड़कर एक सीट पे पैसेंजर को एसओपी जो फेडरल गवर्नमेंट की है उसको फॉलो करना है, लिहाजा हमने इनसे ये कहा है कि वो 20% जो किराए में मोटरवे के ऊपर कमी है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे ताकि आप जो है अपने पैसेंजर को ले जा सके। नंबर एक बात, नंबर दो बात, यही बसें अगर जीटी रोड के ज़रिए इस्लामाबाद जाना चाहती हैं या मुल्तान रोड के ज़रिए आगे साउथ में जाना चाहती हैं तो उनके लिए जो गुमड पंजाब के एसओपीज हैं 20% किराए की कमी के साथ आप इसको लेकर चलेंगे, और अगर एक फैमिली फ़र्ज़ करें अपनी फैमिली 2, 4, 6, 10 अफराद के ऊपर मुश्तमिल सफ़र कर रही है तो उनको अलहदा बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सफ़र कर सकते हैं उसी तरह बैठ के, कोई प्रॉब्लम ना आए। और वहाँ पर सीट छोड़ने का जो है वो भी हमने इनको कहा कि आप सीट ना छोड़ें क्योंकि कमज़ोर आदमी जो है वो डबल किराया नहीं दे सकेगा, लिहाजा लेकिन एक शर्त जो आयद है वो यही है कि मास्क ज़रूर पहनेंगे, सैनिटाइज़र ज़रूर करेंगे, डिसइंफेक्शन बसों को ज़रूर करेंगे, इनका स्टाफ वगैरह जो वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो COVID-19 के हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। अगली इनकी एक पॉइंट था कि फेडरल गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि जो इनकी बैंकों के ज़रिए गाड़ियाँ लीज हैं उस मामले में जिस तरह बाकी इंडस्ट्री को कंसेशन दी गई है कि उनकी पेमेंट को डेफर किया गया किस्तों की, लिहाजा इस पेमेंट को भी डेफर किया जाए, उस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को ख़त लिखेगा, नंबर एक बात, अपनी पूरी एक समरी बना के, और उसके अंदर इस्तदा की जाएगी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के जो बैंकों से लीज़ किया हुआ है उस लीज़ मनी को डेफर भी किया जाए, इसका इंटरेस्ट के हवाले से जो बाकी इंडस्ट्री के साथ ट्रीट किया जा रहा है इनको भी वैसे किया जाए, और इसकी जल्द से जल्द मीटिंग इन ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन की जो नुमाइंदगान हैं उनको बुलाया जाए और इस मसले को भी सॉर्ट आउट किया जाए। चौथा इन्होंने पॉइंट था कि जो टोल टैक्सेस वगैरह हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो क्योंकि टोल टैक्सी जो मोटरवे के हैं वो तो पंजाब गवर्नमेंट के प्रीव्यू में नहीं आते, लिहाजा हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, सो उन्होंने इस पॉइंट से विड्रॉ किया है। अगली ने कुछ नॉन एसी जो दोस्त अड्डों से बसेस चलाते हैं स्टेशन से मुख्तलिफ पंजाब के, वहाँ पर इनको शिकायात काफ़ी ज़्यादा हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, वो इनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, वहाँ पर पर्ची सिस्टम के अंदर इनसे अगर ओवर चार्जिंग ली जा रही है, ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है उस फीस की मद में, अगर 100 रुपया फ़र्ज करें फीस है तो अंडर दी टेबल इनसे पैसे अगर लिए जा रहे हैं तो उसके लिए फौरी तौर पर उस पर एक्शन भी होगा, इनके साथ मीटिंग भी कल तक इनके साथ हो जाएगी ताकि ये अपने फंक्शन को स्मूथली कर सकें। छठा पॉइंट इनका ये था कि जो 2018 से ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो नहीं बढ़े, उन किराओं को रेशनलाइज करने के लिए कैबिनेट के अंदर पुट किया जाए, और अभी 20% जो किराए हमने कम किए हैं 20% उनको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इसकी रेशनलाइजेशन के लिए हम कैबिनेट में अपना केस को मूव करेंगे, कैबिनेट की सब कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी साहब मिनिस्टर साहब केस लेकर आएंगे और हम रेशनली उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। अभी ये 20% क्राउन के साथ अपनी ट्रांसपोर्ट को जो है जीटी रोड और मुल्तान रोड के ऊपर चलाएंगे, और जो मोटरवे है वहाँ पर 20% किराया जो है
उसकी कमी, एक सवारी छोड़कर जो एक सवारी एनसीओसी की मीटिंग के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट की हेल्थ जरिए उसके मुताबिक चलाएंगे और वहाँ 20% किराया जो है वो कम वसूल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रीव्यू में जो टेरिटरी आती है वहाँ पर उनके अहकाम होते हैं, जो इसी तरह सिंध के हैं, इसी तरह बाकी जगहों के हैं, केपीके के हैं या बलूचिस्तान के हैं, और जो पंजाब गवर्नमेंट की अपने उस देखे हमने कमज़ोर आदमी के मामले को भी देखना है कि अगर एक फैमिली अपने 4, 6, 8, 10 अफराद के साथ सफ़र कर रही है, घर से इकट्ठे हैं तो इकट्ठे बैठ कर मास्क पहन कर वो सफ़र कर सकते हैं। ये जो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट जी मैं वही वज़ीर सनअत तिजारत मियाँ असलम इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मोटरवे टोल टैक्स को ख़त्म कर नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्टर्स एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें।